दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को खरीद लिया है, ये आप बेहद अच्छे से जानते हैं। इसके बाद ना सिर्फ उनके बिजनेस को लेकर बातें हो रही हैं, बल्कि लोग उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को भी जानने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मस्क के पास पहले से ही सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला से लेकर रॉकेट बनाने वाली कंपनी स्पेसएक्स है। आज वे भले ही इतनी बड़ी कार कंपनी के मालिक हैं, लेकिन इससे पहले वे अन्य कंपनियों की कार का इस्तेमाल किया करते थे। एक समय तो ऐसा भी था जब उनके पास अपनी पहली कार की मरम्मत कराने तक के पैसे नहीं थे। तो चलिए जानते हैं अब तक के इस सफर में दुनिया के इस सबसे रईस व्यक्ति ने किन किन कारों की सवारी की है और कैसा उनका अनुभव इन गाड़ियों को लेकर रहा है। मस्क ने कार्यक्रम में खुद बताया था कि उनकी पहली कार 1978 की BMW 320i थी, जो उन्होंने महज $1400 में 1994 में ली थी। वो इसे महज 2 ही साल चला पाए, उसके बाद कार का एक्सीडेंट हो गया। मस्क ने इसके बाद दूसरी कार ली 1967 ई टाइप जैगुआर कन्वर्टेबल। वे बहुत पहले से ही ये कार खरीदना चाहते थे। उन्हें जब जिप 2 से $40,000 का बोनस मिला तो वे इस कार को खरीदने में सफल रहे। हालांकि इस कार के साथ उनका अनुभव ठीक नहीं रहा। एक बातचीत में उन्होंने अपनी इस कार को खराब प्रेमिका जैसा बताया। मस्क की तीसरी कार मामूली नहीं थी, बल्कि वह एक सुपर कार थी। जब उन्होंने अपनी शुरुआती कंपनियों में से एक पेपल को बेचा, उसके बाद उन्होंने अपनी तीसरी सुपरकार मैक्लारेन F1 की शॉपिंग की। मस्क बताते हैं कि ये कार उनके पास कई सालों तक रही। उन्होंने करीब 11,000 मील की सवारी इस कार से की। हालांकि साल 2020 में ये कार बुरी तरह से एक्सीडेंट का शिकार बन गई। कार इस तरह से बर्बाद हो गई कि इसकी मरम्मत करवा पाना भी संभव नहीं था, क्योंकि उनके पास कार का इंश्योरेंस नहीं था। मस्क बचपन से जेम्स बॉन्ड की फिल्मों के फैन रहे हैं। बड़े होने पर उन्हें जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म द स्पाई हू लव्ड मी में इस्तेमाल हुई कार लोटस एस्प्रिट सबमरीन खरीदने का मौका मिला। तब उन्होंने एक नीलामी में लोटस एस्प्रिट सबमरीन कार को $920,000 की भारी भरकम कीमत देकर खरीद लिया। हालांकि ये कार सिनेमा की तरह एक बटन दबाने पर सबमरीन नहीं बन पाती थी। इससे मस्क को निराशा भी हुई। कहते हैं कि टेस्ला का साइबर ट्रक इसी लोटस एस्पिरिट से प्रेरित है। अपनी कंपनी टेस्ला की कारों का इस्तेमाल करने से पहले मस्क ने ऑडी Q7, हैमन BMW M5 और पोर्श 911 जैसी लग्जरी कारों की भी सवारी की है। ऑडी Q7 से उन्हें टेस्ला मॉडल S में फॉल्कन विंग डोर लगाने की प्रेरणा मिली। साल 2017 में मस्क ने ट्विटर पर बताया था कि उन्हें एक दोस्त ने फोर्ड मॉडल टी कार गिफ्ट की थी। इसके बाद मस्क अपनी ही कंपनी की कारें इस्तेमाल करने लगे। टेस्ला रोडस्टर अपनी कंपनी की उनकी पहली कार थी। बाद में उन्होंने इसे एक रॉकेट में डालकर स्पेस में भेज दिया, जो अभी भी सूरज के चक्कर लगा रही है। अभी दुनिया के सबसे रईस इंसान के पास अपनी कंपनी की कई कारें हैं, जिन्हें वे मौकों के हिसाब से ड्राइव करते हैं। आमतौर पर टेस्ला मॉडल S परफॉर्मेंस ड्राइव करते हैं। बीच बीच में वे टेस्ला मॉडल 3 परफॉर्मेंस भी चलाना पसंद करते हैं। जब वे बच्चों के साथ होते हैं तो उनकी पहली पसंद टेस्ला मॉडल X बन जाती है।